जय हिंद दोस्तों। पंजाब में आपके डेली डिप्लोमेट इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। कैसे पढ़ा ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा। कैसे पढ़ा ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूँ। आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है डेयरी डिप्लोमेट इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है 25 जून 2022 लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले आपको सभी को अप्लाई कर लेना है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी हैं 37 वैकेंसी आपकी दी गई हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, पंजाब में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें, देखिए जो आपके फॉर्म हैं 25 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन जो आपके फॉर्म हैं 26 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट की बात करें 25 जून 2022 लास्ट डेट रखी गई है। एग्ज़ाम डेट अभी मेंशन नहीं की गई कब आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल कैटेगरी की 1000 रुपये फीस है। SC ST EWS के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 200 रुपये फीस है। PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी इसके लिए। एज की बात करें 18 से 37 साल एज रखी गई इसमें। एज आपकी 1 जनवरी 2022 से एज आपकी काउंट की जाएगी इसमें। देखिए, डायरेक्ट डिप्लोमेट इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें टोटल 37 वैकेंसी हैं। मेल कैंडिडेट की 23 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट की 14 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। देखिए, ये पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से क्लिक केयर अप्लाई फॉर द पोस्ट डेयरी डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, आप अच्छे से रीड कर लेंगे। जैसे कि जो आपकी पोस्ट है डेयरी डेवलपमेंट इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो 25 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जून 2022 लास्ट डेट रखेगी। शाम के 5 बजे तक अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। 3 मंथ से पुराना आपको फोटो अपलोड नहीं करना है इसमें। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम आपको डाल देना है, जो भी आपके फादर का नाम है। उसके बाद यहाँ पर अपनी मदर का नाम आपको डालना है, जो भी आपकी मदर का नाम है वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैरिड अनमैरिड है जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, अगर आप पंजाब से तो पंजाब पर क्लिक करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो अदर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अदर पर आप क्लिक करेंगे, आपकी कैटेगरी हो जनरल में काउंट कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप पंजाब से तो पंजाब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना आपको। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप देना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट है तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन यस पर क्लिक करेंगे आप। आप पे कोई भी क्रिमिनल केस है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यस करके यहाँ पर आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। उसके बाद स्टेट यूटी सेलेक्ट कर लेनी है आपकी, जो भी स्टेट यूटी है। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट यूटी यहाँ पर दी गई हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर आपको डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। पहले आपको 10th क्लास की डालनी है, किसी आपने 10th क्लास पास की यहाँ पर आप डाल देंगे, जिस आपने 10th क्लास पास की है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है,
मार्क ऑप्टेंक्स यहाँ पर डालने, टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज ये आपकी खुद उठा लेगा। उसके बाद डिग्री मोड सेलेक्ट कर लेंगे, रेगुलर प्राइवेट डिस्टेंस जिससे भी आपने कर रखी है। उसके बाद किस ईयर आपने प्लस टू पास की, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर आपने प्लस टू पास की है। उसके बाद यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, ऑप्टेंक्स मार्क टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज ये आपकी खुद उठा लेगा। उसके बाद डिग्री मोड सेलेक्ट कर लेंगे आप जिस, उसके बाद यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की आपको कॉलेज नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पर डालना है। उसके बाद किसी अपने ग्रेजुएशन की वो यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, मार्क ऑफ टैक्स टोटल मार्क्स यहाँ पर फिलअप करने, परसेंटेज ये खुद उठा लेगा। उसके बाद यहाँ से डिग्री सेलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस प्राइवेट जिससे भी आपने कर रखी है, एनी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आना आपको यहाँ से आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सेव करते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो कम्प्लीट हो जाता है। मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, देख सकते हैं आप, यह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। या तो आप इसे कॉपी कर लेंगे या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने है, उसके बाद टेंथ क्लास की क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करनी है आपको, उसके बाद अपलोड पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप अपलोड करते हैं उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, जैसे कि नाम, फादर नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई एडिट सबमिट के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखा देगा, जैसे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डेली डिप्लोमेंट इंस्पेक्टर ग्रेड टू की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, उसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट आपका। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपने जो क्वालिफिकेशन डाली उसकी डिटेल, यहाँ पहले आप अपना एड्रेस अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेनी है, पहले आप टेंथ क्लास की चेक कर लेंगे, उसके बाद प्लस टू की आप चेक कर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन की आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। देखिए अगर कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो यहीं से एडिट कर सकते हैं आप, इसके बाद कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर ले तभी आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसलिए आप सभी जानकारी को चेक कर ले, उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे ओके पर आपको फिर से क्लिक करना है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो कम्प्लीट हो चुका है। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है और इसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, 3 दिन बाद आपको अपनी फ़ीस आपको पे करनी है और अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसे कोई अपडेट पाने के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।